हेलो नमस्कार, वेलकम टू कोड ऑफ नॉलेज। आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर सेकेंड, जो कि बताता है हमारे रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में। पिछले वीडियोस में हमने एक फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, अब हम सेकेंड चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आई होप कि आप सभी लोग बेयर एक्ट लेकर बैठे होंगे और कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उनको नोट करते चलिए। सेक्शन 5, एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट। सेक्शन 5 हमारा बताता है कि जो भी एविडेंस दिए जाएंगे वो फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट्स से रिलेटेड होंगे। एविडेंस मे बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग of the existence or non-existence of every fact in issue and of such other facts as are hereinafter declared to be relevant and of no others. सेक्शन 5 हमारा कहता है कि किसी सूट या प्रोसीडिंग्स में जो भी फैक्ट इन इशू हैं और ऐसे फैक्ट्स जो कि इस सेक्शन में जो कि इस एक्ट में रेलिवेंट डिक्लेयर्ड किए गए हैं उनके एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस का एविडेंस दिया जाएगा, किसी और का नहीं। यहाँ पे ये वर्ड दिया हुआ है एंड ऑफ नो अदर्स, ये है एंड ऑफ नो अदर्स। तो जो भी फैक्ट्स एविडेंस दिए जाएंगे वो फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट्स से रिलेटेड होंगे। अब यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि रेलिवेंट फैक्ट्स क्या हैं और फैक्ट इन इशू क्या है। वैसे तो रेलिवेंट फैक्ट्स और फैक्ट इन इशू के बारे में सेक्शन 3 में बताया गया है और वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में काफ़ी समझाया है। मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, आप उसे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि सेक्शन 3 में फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट्स क्या कहता है। बेसिकली रेलिवेंट फैक्ट्स, एक फैक्ट्स दूसरे फैक्ट से रेलिवेंट तब कहा जाता है जब वो इस तरीके से खुद में या फिर किसी अदर फैक्ट्स के थ्रू या कई सारे फैक्ट्स से मिलकर किसी फैक्ट इन इशू के एग्जिस्टेंस को इतना प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल करता है तो कहा जाता है कि ये रेलिवेंट है। बेसिकली जो रेलिवेंट है वो किसी दो फैक्ट्स के बीच में उसका रिलेशन होने पर डिपेंड करता है और उसका जो रिलेशन है वो ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि जो जज है उसको इस बात का यकीन हो जाए, वो ये बिलीव करे कि फैक्ट इन इशू यहाँ पर क्या था। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि सारी रिलेवेंट फैक्ट्स तो रिलेवेंट फैक्ट्स से जो इररिलेवेंट फैक्ट्स क्या होंगे, तो जो एविडेंस में इररिलेवेंट फैक्ट्स उनको कहा जाता है कि जब किसी जो फैक्ट इन इशू है उसके एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में वो कोई भी इस तरीके की जो होता है ना प्रोबेबिलिटी वो डेवलप नहीं कर पाता, वो फैक्ट्स जो है वो ना ही उसके होने का उसमें बिलीव है कि ये फैक्ट्स है और ना ही वो कोई प्रोबेबिलिटी डेवलप कर पाता है, तो कहा जाता है कि ये फैक्ट्स जो है वो इररिलेवेंट है। इस सेक्शन में मेन जो है ये आपका ये जो वर्ड दिया हुआ है एंड ऑफ नो अदर्स, यही चार जो शब्द हैं इस पर ही ये पूरा सेक्शन डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि सेक्शन 5 जो है वो इस पूरे ही एक्ट का क्या है, वो कॉर्नरस्टोन है। कॉर्नरस्टोन मतलब आधारशिला। सेक्शन 5 जो है वो इस एविडेंस एक्ट का कॉर्नरस्टोन। द एक्सप्रेशन ऑफ नो अदर्स इम्पोज एन ऑब्लिगेशन ऑन द कोर्ट to exclude or irrelevant evidence. Basically ये क्या बोल रहा है कि जो ये वर्ड है of no others, ये जो वर्ड है ये एक कोर्ट पर एक तरीके की ड्यूटी इम्पोज करता है कि जो भी irrelevant evidence है उसको जो है एक्सक्लूड करे। ये इट एक्सक्लूड्स ऑल द एविडेंसेज विच डज नॉट कम्स अंडर सेक्शन 6 to 55। मतलब उन सारे irrelevant evidence को ये एक्सक्लूड करे जो कि 6 to 55 के अंदर नहीं आते हैं। इस सेक्शन का मेन ऑब्जेक्ट ये है कि जो एविडेंस का स्कोप है उसको लिमिटेड करना है। अब लिमिटेड क्यों करना है? लिमिटेड इसलिए रखना है इसको
कि जो भी जस्टिस होने में जो बेवजह की देरी होती है, जो डिले होता है, उसको रोकना है, और जो भी बेवजह के एक्सपेंसेस हैं वो उनसे बचा जा सके। अब आता है रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी के बारे में। तो रेलिवेंसी का मतलब, रेलिवेंसी मीन्स व्हाट फैक्ट्स मे बी प्रूव बिफोर अ कोर्ट, कि कौन से फैक्ट्स कोर्ट के सामने प्रूव किए जाएंगे। द टर्म रेलिवेंट और द फैक्ट्स दैट मे बी प्रूव्ड आर सिनोनिम्स। तो जो रेलिवेंट शब्द है, ये जो है ये, एंड और जो फैक्ट्स दैट मे बी प्रूव्ड है, ये दोनों एक तरीके के सिनोनिम्स ही हैं। द एडमिसिबिलिटी इज द मीन्स एंड द मेथड ऑफ प्रूविंग द रेलिवेंट फैक्ट्स। एडमिसिबिलिटी क्या है? ये एक तरीके का मेथड है रेलिवेंट फैक्ट्स को प्रूव करने का। दे आर नीदर सिनोनिम्स नॉर को एक्सटेंसिव। ये ना ही सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के और ना ही को एक्सटेंसिव हैं। अगर कोई फैक्ट लॉजिकली मतलब बेस्ड है और उस पे रेलिवेंट है, तो उसके एडमिसिबल होने का जो वो है कि ये मतलब डिसाइड नहीं है कि वो एडमिसिबल होगा या नहीं होगा, लेकिन एविडेंस तभी एडमिसिबल होगा जब वो लीगल मतलब लीगली वो रेलिवेंट हो। तो कहने का ये मतलब है कि एडमिसिबिलिटी जो होनी चाहिए वो लॉजिकल ना होकर वो लीगल होनी चाहिए। ठीक है, राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। द एक्सप्रेशन रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी आर यूज्ड एज सिनोनिम्स, बट देयर लीगल इम्प्लीकेशंस आर डिफरेंट। ये कह रहा है कि जो रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी है, ये जो है एक तरीके से सिनोनिम्स के रूप में तो है, इनका यूज़ किया जाता है, लेकिन इनका जो लीगल इफेक्ट है वो अलग अलग है। क्यों? बिकॉज ऑल रेलिवेंट फैक्ट्स नीड नॉट नेसेसरी टू बी एडमिसिबल। क्योंकि जो ज़रूरी नहीं है कि सारे ही जो रेलिवेंट फैक्ट्स हैं वो क्या हो जाए, वो एडमिसिबल हो जाए। बट ऑल एडमिसिबल फैक्ट्स आर नेसेसरली टू बी रेलिवेंट। लेकिन जो एडमिसिबल फैक्ट्स हैं वो रेलिवेंट ही होते हैं। ठीक है, अब यहाँ रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी में आप डिफरेंस अगर ये देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये है क्या चीज़। तो रेलिवेंसी जो होती है, ठीक है, इज़ बेस्ड ऑन लॉजिक एंड प्रोबेबिलिटी। ये जो है लॉजिक और प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड होती है जो रेलिवेंसी है। एडमिसिबिलिटी इज़ नॉट बेस्ड ऑन लॉजिक बट ऑन स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ लॉ। ये जो है ये लॉजिक पर बेस्ड नहीं होता है, लेकिन ये स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ लॉ को फॉलो करता है। रेलिवेंसी क्या है? द रूल्स ऑफ रेलिवेंसी इज डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 6 to 55। ये तो सीधा यही है कि ये 6 से जो 55 के बीच में बताया गया है रेलिवेंसी के बारे में। बट डिस्क्रिशन ऑफ जज टू डिसाइड एज एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, मतलब जज का जो डिस्क्रिशन पावर है उस पर ये डिपेंड करता है कि कौन से फैक्ट्स एडमिसिबल होंगे कौन से नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो एडमिसिबिलिटी का अगर आप देखेंगे एविडेंस में जो मतलब है वो यही है, एबिलिटी टू एक्सेप्ट करना। ठीक है, और ये जो, क्योंकि ये लॉ का क्वेश्चन है, एडमिसिबिलिटी जो है वो एक क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तो ये कौन डिसाइड करेगा? ये जज डिसाइड करता है कि वो एडमिसिबल है या नहीं है। रेलिवेंसी इट डिक्लेयर्स व्हाट इज़ रेलिवेंट टू प्रूव। ये डिक्लेयर करता है कि क्या रेलिवेंट, कौन से रेलिवेंट फैक्ट्स प्रूव्ड होंगे। फिर एडमिसिबिलिटी क्या कहता है? कि इट मीन्स दैट कोर्ट कैन परमिट द एविडेंस टू बी गिवन ऑफ अ फैक्ट ओनली इफ इट इज़ रेलिवेंट। मतलब कि कोर्ट ये परमिशन दे सकता है कि मतलब कोर्ट में कि वही आप एविडेंस दीजिए जो कि रेलिवेंट, और रेलिवेंट फैक्ट्स आप अगर देते हैं तो ये जो है किसी भी फैक्ट इन इशू को डिसाइड करने में हेल्प करेगा। रेलिवेंट एविडेंस मे बी एडमिसिबल। अगर फैक्ट जो रेलिवेंट एविडेंस दिया गया है वो एडमिसिबल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हर जगह पर मे बी वर्ड का यूज़ किया गया है कि वो हो सकता है, क्योंकि अगेन ये कोर्ट के डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है, उसका डिस्क्रिशन पावर है कि वहाँ पर
वो कौन से एविडेंस को एडमिसिबल बनाता है कौन से नहीं, लेकिन यहाँ पर ये भी कह रहा है कि एडमिसिबल एविडेंस मस्ट बी रेलिवेंट, जो भी एडमिसिबल एविडेंस हैं वो रेलिवेंट ही होने चाहिए, मतलब कि वो रेलिवेंट, अगर कोर्ट को ये लगता है कि ये जो फैक्ट है रेलिवेंट भी है और इसे एडमिसिबल भी कर सकते हैं, तो वो तुरंत उसे एडमिसिबल बना देगा। इट हैज़ अ लार्जर स्कोप टू कवर द फैक्ट्स, मतलब ये जो है इसका लार्जर स्कोप है फैक्ट्स को कवर करने में। लिमिटेड फैक्ट्स आर कवर्ड इन द एडमिसिबिलिटी, और बहुत कुछ ही फैक्ट्स हैं जो एडमिसिबिलिटी के थ्रू कवर्ड होते हैं। रेलिवेंसी हाउ डिसाइडेड, द क्वेश्चन ऑफ रेलिवेंसी इज द क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड इट एंड इज टू बी डिसाइडेड बाई जज। तो रेलिवेंसी जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ का जो है मैटर है, सब्जेक्ट है, और ये जज के थ्रू डिसाइड किया जाएगा। क्वेश्चन ऑफ रेलिवेंसी शुड बी डिसाइडेड व्हेन रेज्ड एंड शुड नॉट बी रिजर्व अंटिल द डेट ऑफ जजमेंट इन द केस। कहने का मतलब ये है कि जो रेलिवेंसी का क्वेश्चन है, ठीक है, वो तभी रेज होना चाहिए जब वो उठता है, उस पर ऑब्जेक्ट तभी आप करना चाहिए जबकि रेलिवेंसी का क्वेश्चन अराइज होता है। जैसे कि आप लोग बहुत सारे ऐसे मूवीज़ देखा होगा जहाँ पे कोर्ट रूम दिखाते हैं और वो वहाँ पे आर्गुमेंट्स चल रही होती हैं, और किसी एक पार्टीज़ के थ्रू कोई फैक्ट्स, अगर वहाँ पे रेलिवेंट फैक्ट्स बताया जाता है, तो अगर किसी अदर पार्टी को लगता है कि ये फैक्ट्स रेलिवेंट नहीं है इससे रिलेटेड, तो वो वहाँ पर तुरंत उस चीज़ को बोलता है कि आई ऑब्जेक्ट। तो ये कहने का मतलब यही है कि जब भी ये इस तरीके के जो फैक्ट्स हैं अगर वहाँ पे अराइज होते हैं, तो आपको उसका क्वेश्चन जो है वो वहीं पर आपको उठाना होगा कि ये आपके हिसाब से रेलिवेंट फैक्ट्स नहीं है, ये इस तरीके से जुड़ा हुआ नहीं है, और फिर ये कोर्ट ही, उसके बाद तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा, उसको लगता है तो वो कर लेगा, नहीं लगता है तो वो नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि आप जजमेंट के बाद इस चीज़ को नहीं डिसाइड कर सकते हैं, या वहाँ पे उस टाइम पे प्रोसीडिंग्स चल रही है और आपने तब बोला नहीं, बाद में आप बोलते हो कि ये चीज़ें रेलिवेंट थी, नहीं, आपको उसी टाइम पे बोलना पड़ेगा कि आपके अकॉर्डिंगली ये चीज़ें रेलिवेंट नहीं हैं। नेक्स्ट है, द कोर्ट्स इन इंडिया आर बाउंड टू एक्सक्लूड एविडेंस ऑफ इरेलीवेंट फैक्ट्स वेदर ऑब्जेक्टेड और नॉट, कि जो इंडियन कोर्ट है वो बाउंड है जो भी इरेलीवेंट कोर्ट को उसको एक्सक्लूड करने के लिए। इफ़ रेलिवेंट एविडेंस इज़ सो मिक्सड अप विथ रेलिवेंट एविडेंस एज टू मेक इट इम्पॉसिबल टू सेपरेट वन फ्रॉम द अदर, द होल ऑफ एविडेंस इज़ टू बी रिजेक्टेड। कहने का ये मतलब है कि जो रेलिवेंट एविडेंस है वो रेलिवेंट एविडेंस से इस तरीके से मिक्सड अप हो चुका है, इतना वो उससे अटैच है या जुड़ा हुआ है कि उसको उससे सेपरेट करना ही इम्पॉसिबल है। तो वहाँ पर क्या होगा, वो पूरे ही एविडेंस को, मतलब जो जज होंगे, कोर्ट होगा, वो उसको क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा, कि अगर उसमें से इरिलीवेंट फैक्ट को, अगर जो भी एविडेंस है वो इस तरीके से एक दूसरे से मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, कि उसमें रेलिवेंट एविडेंस तो है लेकिन वो जो है आपका इररिलेवेंट एविडेंस है वो उससे अलग ही नहीं किया जा सकता, उसको उससे सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर जो पूरा ही एविडेंस है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। व्हेन ऑब्जेक्शन टू रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी बी टेकन, इट कैन बी टेकन एट एनी स्टेज इवन इन द हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट। कहने का यही इसका मतलब है कि ये किसी भी स्टेज पर लिया जा सकता है, चाहे वो हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट में भी। क्वेश्चन ऑफ रेलिवेंसी इज क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड कैन बी रेज्ड एट एनी स्टेज। रेलिवेंसी का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ का क्वेश्चन है, मैटर है, सब्जेक्ट है, तो इसे किसी भी स्टेज पर रेज किया जा सकता है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने के लिए है कि ये जो बता रहा है कि रेलिवेंसी जो है ये बता रहा है ना, इट कैन बी टेकन एट एनी स्टेज, तो एनी स्टेज का मतलब ये नहीं है कि कोई भी सूट है जो उसका डिसीजन आ चुका है, जजमेंट पास हो गया है, एंड देन आप उस चीज़ का ऑब्जेक्शन लेकर जाते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी का कोई भी केस है जो ट्रायल में है और वहाँ पर रेलिवेंसी का क्वेश्चन है,
और वहाँ आपको ऑब्जेक्ट करना है तो आपको उसी टाइम वहाँ पे करना होगा, ये नहीं है कि वो चीज़ जब वो डिसाइड हो चुका है। मान लीजिए कि अगर जजमेंट आने के बाद वो केस में वो अपील करता है, पर्सन है कोई भी है वो अपील करता है, तो अपील करने में जब वहाँ पे चीज़ों को देखा जाएगा, फैक्ट्स को देखा जाएगा, अगर वहाँ पर कोई नए फैक्ट्स ऐसे आते हैं जो कि ये था कि वो छूट गए हैं और उनका और वो वहाँ पर रेलिवेंट हैं, और नए फैक्ट्स उसमें सामने आते हैं कि नए नए कि ये भी फैक्ट्स रेलिवेंट हैं, ये भी रेलिवेंट हैं, तो उस टाइम पे अगर आप अगर लगता है कि ये रेलिवेंट नहीं होते हैं या हो सकते, तो जो उसका ऑब्जेक्शन है वो आपको उस टाइम पे उठाना पड़ेगा। उसके बाद अगर वो हाईएस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है ना हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट में जाता है, तो वहाँ पर अगर कोई और नए फैक्ट सामने आए और जो कि एक पार्टी में रेलिवेंट है और दूसरे में नहीं है, तो उसका भी ऑब्जेक्शन आपको तब आप वहाँ पर अराइज होगा और वहीं पर आपको उसको ऑब्जेक्ट करना होगा। एनी स्टेज का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ये उस केस या प्रोसीडिंग्स के चलने के दौरान ही हो सकता है, ये नहीं कि वो जजमेंट पास होने के बाद होगा। यहाँ पर ये है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लग सकता है कि एनी स्टेज का मतलब कि वो जब क्वेश्चन सारी चीज़ें डिसाइड हो चुकी हैं तब भी कर सकते हैं, नहीं, वो जो चल रही है प्रोसीडिंग्स, जो भी सूट चल रहा है वहाँ उसी पर ही आपको जो रेलिवेंसी का जो क्वेश्चन अराइज करना है वो वहीं पर करना होगा। यहाँ पर कहने का मतलब ये है। सेक्शन 5 में एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जो कि छूट गया है, वो क्या कहता है कि दिस सेक्शन शैल नॉट इनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ अ फैक्ट विच ही इज़ डिस इंटाइटल्ड टू प्रूव बाय एनी प्रोविजन ऑफ द फॉलो फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर। कहने का सिर्फ सीधा सा इतना मतलब है कि अगर किसी पर्सन को ऐसे फैक्ट्स का जो एविडेंस देने के लिए कोई भी जो सेक्शन है, ठीक है, वो यहाँ पर मतलब ये सेक्शन जो है किसी ऐसे पर्सन को किसी फैक्ट्स के एविडेंस देने की, किसी फैक्ट्स के बारे में एविडेंस देने के लिए वो उसको इनेबल करता है, जो कि अगर सिविल प्रोसीजर लॉ में, ठीक है, सीपीसी में कहीं अगर जो ये इसका प्रोविज़न बताया गया है कि उसको ये वहाँ से मतलब ये पर्सन जो है वो डिसइंटाइटल्ड हैं किसी फैक्ट्स को लेकर एविडेंस देने में, तो ऐसे पर्सन को एविडेंस देने का जो है वहाँ पर राइट नहीं दिया जाएगा। कहने का सिर्फ मतलब इतना है यहाँ पर। आगे हम सेक्शन 6 को पढ़ेंगे क्योंकि मैं मान रही हूँ कि वीडियोस थोड़े लेट से आ रहे हैं, वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हम जो भी सेक्शंस पढ़ रहे हैं वो काफ़ी डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो हमारी पूरी कोशिश यही है कि जो भी मैटर हो वो ठीक हो और वो सही तरीके से स्टूडेंट तक पहुंचनी चाहिए, तो अगर थोड़ा लेट भी होता है तो उसके लिए सॉरी। आगे हम सेक्शन 6 में पढ़ेंगे और जानेंगे कि सेक्शन 6 हमारा क्या कहता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।